की सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान झारखंड की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं। कोविड-19 महामारी से झारखंड के स्वास्थ्य ढांचे की असंख्य कमियां उजागर हुई हैं। 2019 की रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण और शहरी सार्वजनिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के औसतन 50% से अधिक स्थान रिक्त थे। वहीं जिला और उप जिला अस्पतालों में 48% स्थान रिक्त हैं। साथ ही नर्सिंग स्टाफ के कुल 59% स्थान रिक्त हैं। कुल पंजीकृत डॉक्टरों के मामले में झारखंड 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नीचे के 8 नामों में से एक है। वर्तमान में यहां 8,000 से अधिक लोगों के लिए एक डॉक्टर है, जबकि WHO का मानक प्रति 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर का है। संविदा कर्मचारियों के लिए भर्ती अभियान के बावजूद झारखंड सरकार डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की भर्ती करने में विफल रही है। प्रोत्साहन की कमी, अनुचित नीतियां और खराब कामकाजी परिस्थितियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विशेष रूप से खराब है। राज्य सरकार की विफलताओं के कारण हमारे लोग कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत अधिक पीड़ित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से झारखंड सरकार से अपनी व्यवस्थाओं को तुरंत ठीक करने और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मजबूत व सुविधा युक्त व्यवस्था बनाने की अपील करता हूँ।